तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज हम लोग एक ऐसी गेम खेलने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, हमेशा की तरह जो मैं गेम्स लाता हूँ ज़बरदस्त ही होते। तो आज एक कार की गेम खेलने वाले हैं। मेरे को कमेंट आया था एक नज़ीर बल के हमारे भांजे, तो उनका कमेंट आया था कि एक फोर्ज़ा होरिज़ोन खेलो। अब फोर्ज़ा होरिज़ोन मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं गेम खेलता हूँ टैब में, वो आती है पीसी में। तो मैं एक बहुत ही जबरदस्त वाली गेम लाया हूँ जो आप लोग खेल सकते हैं। आप लोग एक बार मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देख लूंगा कि मैं एक कार्ड चला रहा था बैठने वाला। तो वो वाली गेम मैं अब खेलने वाला हूँ जिसका नाम है RDS, रियल ड्राइविंग स्कूल। अब नाम तो खास नहीं है लेकिन अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। RDS ज़बरदस्त है, उसका फुल फॉर्म रियल ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल बन जा रहा है। तो आज ये वाली गेम अपन खेलने जा रहे हैं और आज की प्लानिंग थी व्लॉग बनाने की। हम लोग जाने वाले थे चार मीनार, चार मीनार के अपने चोर बाज़ार को, मतलब चोर बाज़ार संडे बाज़ार, इसको चोर बाज़ार बोलते हैं बहुत से लोग, तो मेरे भी मुँह से निकल गया। आज की प्लानिंग वो थी लेकिन हमारे वेनम भाई हाथ दे दिए। तो अभी अपनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो अपने गेम्स के फोल्डर में आप लोग देख सकते हैं ARK, GTA, LCS, लिबर्टी सिटी स्टोरीज। तो अभी अपन जो गेम खेलने जा रहे हैं वो है ये RDS, रियल ड्राइविंग स्कूल। मेरे को बहुत पसंद आई ये गेम, मैंने बहुत खेल लिया ये वाली गेम को, मज़ा ही मज़ा है इसके अंदर। और मैंने इसे ज़रा हैक कर लिया है, देखिए मॉडर्न वर्जन है। ऊपर आप पैसे देख सकते हो और मुझे दिखा रहा है यू आर बैंड रीजन चीटिंग। तो ठीक है, मैंने कई को मॉड किया है बोले तो मेरे को ज़रा इसके पूरे कार्ड्स टेस्ट करना था जो मैं टेस्ट कर चुका हूँ, वरना अगर मैं नॉर्मली जाता तो ज़्यादा मैं कार्ड्स टेस्ट करने में मेरे को ज़माना बीत जाता था हूँ। पर देखिए अपना जो लॉबी है वो पूरी 3D लॉबी है कार के, आप लोग देख सकते हैं दिखने में क्या ही ज़बरदस्त दिख रही है कार। तो ठीक है, ये अपन सेटिंग में आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफिक जो है अल्ट्रा पे है, रेजोल्यूशन हाई पे है, FPS 60 पे रखा हूँ मैं, ज़्यादा करेंगे तो हैंग हो जाएगा, मेरा टैप उतना भी ज़बरदस्त नहीं है। चलिए अपन फ्री प्ले में देखते हैं। ये फर्स्ट डिफ़ॉल्ट कार है, आपको डिफ़ॉल्ट कार में इतनी ज़बरदस्त कार मिल रही है और क्या चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी अपनी स्टार्ट हो चुकी है। आपको देखिए ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह पूरा बहुत ही ज़बरदस्त है। एक फ़ोटो मोड बोल की भी है जिसके अंदर आपके बटन्स है ना चले जाएंगे, ऊपर कैमरा जो दिख रहा है उसको क्लिक करने से कार देखिए खाली क्या ही ज़बरदस्त वाली कार देखने को मिल रही है आपको। तो अपन सीट बेल्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। और इंजन ऑन करने के लिए आपको जो दिख रहा है ये वाला बटन चाबी का, आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं, आवाज़ अच्छी खासी है कार की। तो अपन अभी ज़रा देखे भाई, फ्लेमिंग फ्लेमिंग आ रही है। तो अपनी कार आप लोग देख लिए कैसी है अपनी कार, तो चलिए अपन ज़्यादा चला के देखते हैं। और इसके अंदर ये अच्छा है कि अपन कितनी रेस पे चला सकते हैं आप देख सकते हैं, एक्सेलरेटर को अपने कितना दबाना है उतना सिर्फ ऊपर करो। जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर कराऊँ तो थोड़ा बहुत स्लो चल रही है कार, जैसे मैं ज़्यादा करूँगा उतना स्पीड बढ़ेगी इसकी। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त रियलिस्टिक दिखता है इसकी वजह से। ओके, बहुत तो छोटी सी ड्रिफ्ट मारे अभी, वो भी गलती से पड़ गई, राइट मोड़ रहा था लेफ्ट मोड़ गया। खेल के बहुत दिन हो गए, ये बहुत खेला हूँ मैं, जब जब मैं रील डाला था वो वाली छोटी वाली उसके अंदर मैंने बहुत बार खेला था ये, वो रील यच गेम की होती वो वाली शॉर्ट वीडियो। तो अपन अभी दूसरी कार देखते हैं, ये तो थी इसकी फर्स्ट डिफॉल्ट कार। तो मेन मेन्यू में जाते हैं अपन, अपन को डिफॉल्ट कार नको, मैं बहुत से कार मॉडिफिकेशन देखिए इसके अंदर, कार देखिए
फॉर सेकेंड जो कार रहेंगी आपको $10,000 की रहेंगी, और 25 गोल्ड से भी आप ले सकते हैं। तो वैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग कार देखेंगे। जैसे अपने पास एक पोर्शे में खरीद के रखा हो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर में है, और इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि है इंटीरियर। कार का इंटीरियर भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे अब मेरा जो पोर्शे है मैक्स लेवल पे है, नहीं पोर्शे को हमने कर लिया है सेलेक्ट, तो फ्री प्ले क्लिक करते हैं। अभी अपन खेलने जा रहे हैं पोर्शे के साथ, जो कि आपको मैं इंटीरियर भी दिखाने वाला हूँ। पोर्शा पोर्शे जो जो बोलते हैं इसको, मैं तो पोर्शे कहता हूँ और पोर्शा कहता हूँ अभी कभी पोर्शे। ओके तो देखिए इंटीरियर की बात करें तो ये है अपना इंटीरियर। पोर्शे का उतना भी खास नहीं दिख रहा वैसे। ओके वर्किंग इंटीरियर नहीं है पोर्शे का मेरे हिसाब से। यस यस इसका इंटीरियर वर्क नहीं कर रहा है, वरना कारों का इंटीरियर इसके अंदर काम भी करता है, वर्क करता है। और देखिए डिस्ट्रक्शन भी है, जैसे ही मैंने टक्कर दिया मेरी पोर्शे अंदर से हो चुकी है ख़राब और फायर से भी दब चुकी है, क्योंकि पोर्शे अपनी पकड़ चुकी है स्पीड और हमने कर लिया कुछ क्लेम। वो 65 किलोमीटर की स्पीड से और देखिए बेकार है मेरी। तो पोर्शे की हालत हो चुकी है कुप्पा। अभी अपन दूसरी कार लेते हैं जिसका इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त हो, ठीक है। इसके अंदर बेंटले देखने को मिलेगी आपको और रोल्स रॉयस भी है, रोल्स रॉयस। और यह है मर्सिडीज, यह है अपनी निसान GT-R, ये अपनी ज़बरदस्त वाली कार होना है ना अभी। ये भी बहुत ज़बरदस्त है जो कि है GT-R स्पाइडर कुछ है इसका नाम है, नाम फुल नेम में कोई याद नहीं। और इसके अंदर सुपरा देखने को मिलेगी जो कि अभी खुली नहीं है। दिस कार इज नॉट डिलीवर्ड येट टू गैराज। तो अभी ये जो कार है मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो अपन क्या करते हैं ये वाली कार से एक बार आपको दिखा दो। इसका जो गियर चेंजिंग होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है जो गियर चेंज होता है इसके अंदर। सीट बेल्ट लगा लो गाड़ियों पर। ये बहुत ज़बरदस्त है यार, तो ये कार आपको कैसी दिखी आप कमेंट में बताइए। मेरे को तो बहुत अच्छी दिखती है, इसकी आवाज़ जो होती है ना बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, एकदम गेट चेंज होता है। तो अभी जो अपनी नेक्स्ट कार है चेक करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। देखिए सुपरा इसके अंदर वो भी है MK4 जो है। अपनी अब बारी है रॉल्स रॉयस की जो कि वाइट कलर में चमक रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसको भी अपन अभी ट्राई करते हैं। इसके अंदर का इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा, अभी उसका दिखाना भूल गया देखो मैं, चांदा लाइट लो इसे भी है वो खाली आवाज़ अच्छी थी उसकी स्पीड भी। देखिए अब रॉल्स रॉयस का आपको अंदर इंटीरियर जो है वो है पर्पल कलर में, और वर्किंग मीटर है शायद। यस 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 वर्किंग मीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है वो मीटर वर्क कर रहा है देख सकते हैं आप। तो बनी बाहर से देखते हैं कार, बहुत ही स्मूथ चलने वाली कार है ये वाली गेम की है। आप कितना भी स्पीड भगा लो स्मूथ चलेगी, टेढ़ा बिंगा नहीं, आवाज़ ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको गियर चेंजिंग पे एग्जॉस्ट की ज़रा आवाज़ आएंगी और लाइट फ्लेमिंग निकलेंगी गियर चेंजिंग पे। लेट्स ट्राई द ड्रिफ्ट। ओके एक छोटा सा ड्रिफ्ट मार दिया हमने, और इसके अंदर एक बूस्टर भी है जो कि आपको दिख रहा है राइट साइड ब्लू कलर में एक लाइटनिंग के लोगो में। तो आप लोग बूस्टर एक बार ट्राई करेंगे अपन। तो बूस्टर से अच्छी खासी स्पीड पकड़ रही। इसके अंदर एक और एक चीज है जो कि बहुत ही जबरदस्त है, जो मेन स्पोर्ट्स कार्स के लिए बने हुए हैं, लेकिन अपन अब रॉल्स रॉयस को वहां पर लेके जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं रेस ट्रैक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा है यहाँ पर,
अब यहाँ पर आप स्पीड टेस्ट करो, मजे करो, भगो। देखिए 1 2 3 शुरू करते हैं। थोड़ा सा कंट्रोलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जा रही है मुझे कभी। शुरू में आपको कंट्रोल करने ही नहीं आएगा, हल्लो हल्लो आदत होगी। आप रुको, थोड़ा मैं सेंसिटिविटी कम कर लेंगे स्टेयरिंग की। हाँ, कंट्रोलिंग अच्छी आ जाती। अरे तो देखिए, इंटीरियर की अपने अब भी हमने लाइट खोल दी है, ऑफ भी कर सकते हैं, और इंडिकेटर्स वगैरह सब वर्किंग रहेंगे इसके अंदर। अबे ये चेंज कर। तो देखिए, अपनी रॉल्स रॉयस बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ तरीके से ट्रैक पे चल रही है, देख सकते हैं आप। 300 स्पीड क्रॉस करने ही वाली है। ओके, 300 क्रॉस हो जा। ओके, 300 क्रॉस हो चुकी है। अभी अपन दूसरी कार चेक करते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे आ रहे हैं। दो दो वीडियोस इससे दो यार, अभी कितने की वीडियोस पहले लंबे आ चुके हैं, उतने लंबे नहीं करना है, ऑडियंस बोर हो जाती है, पूरी वीडियो देखती नहीं है। तो अपन अभी नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं, जो कि है टोरेटो शायद। फास्ट एंड द फ्यूरीज के जो हमारे जो के इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, इसको मैनुअल पे भी अपन खेल सकते हैं। इसके अंदर कार की गियर शिफ्टिंग जो है आप मैनुअल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ट्रांसमिशन रहेगा, सॉरी हाँ, मैनुअल ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर अपनी मैनुअल बन चुकी है कार, अपन जो गियर चेंज करना है ऑटोमेटिक नहीं होगा, अपने करना पड़ेगा। तो अभी अपन शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट गियर पे जाना। ओके, फर्स्ट गियर पे अपनी कार है, और अपन गियर चेंज नहीं करें तो कुछ इस तरह का आवाज़ आएगा। मैनुअल में ही मज़ा बहुत ज़बरदस्त आता है। ओके, और हमारी टेक ऑफ ले चुकी है कार, और इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं, एकदम ओल्डी स्वाइप है इसके अंदर इंटीरियर, क्योंकि कार ओल्डी है, क्योंकि इंटीरियर वर्किंग नहीं है इसके अंदर भी। थोड़े बहुत कारों में आपको वर्किंग इंटीरियर देखने को मिलेगा। अभी अपन कार चेंज करते हैं, ये वीडियो में कवर करना है अच्छे अच्छे कारों को। और इसके अंदर अपने को पुरानी वाली कौन सी है, ये लैम्बोर्गिनी। ओके, लैम्बोर्गिनी चलना है, फरारी है। ओ, लैम्बोर्गिनी है ये पुरानी वाली, जो कि वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में आपको व्हाइट कलर में या कुछ कलर में आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में शायद। इसके अंदर उन्हें हीरो बैठा रहता है। तो ये वाली लैम्बोर्गिनी हो, और ये है अपनी मैकलारेन P1 शायद, फ्री फायर में आई थी ये। यस, इसको लाइट लेते हैं। और अपनी आ चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त वाली कार, जिसका नाम है बुगाटी चिरॉन। तो बुगाटी चिरॉन को भी अपन ट्राई करने वाले हैं, जो कि ब्लू कलर है, जो कि उसका बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस कलर है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला कलर। अब वो अलग बात है, एंड्रॉयड टेट का अलग कलर है, अपन एंड्रॉयड टेट के हैं, पहन तो नहीं बोल सकते, अच्छा दिखता है। तो ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन को ज़रा बंद कर देते हैं। भाई साहब, एग्जॉस्ट की आप लोग आवाज़ और एग्जॉस्ट का एनिमेशन आप लोग देख सकते हैं, जो कि फ्लेमिंग आ रही है। चलिए अपन ब्रेक पे चलाते हैं इसको, और बहुत ही सुकून से और स्मूथली ये पहुंच चुकी है 300 क्रॉस। और हमने बूस्टर यूज कर लिया है, इसकी वजह से मेरे हिसाब से 500 क्रॉस नहीं जाएंगे। तो ले आना तो मजा आ जाएगी। 431 इसकी लास्ट स्पीड देखने को मिलेगी अपने को, यानी 433 बूस्टर के बाद 452 तक आएगी। हमने कर लिया है क्रैश। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर इंटीरियर अवेलेबल नहीं है, अभी आया नहीं है, अपडेट के बाद आ सकता है। बाहर से तो आपको दिख रहा होगा, सिर्फ एक स्टेयरिंग दे दिया है अंदर, और सीट्स डले हुए दिख रहे हैं। अभी ज़्यादा इसके अंदर इंटीरियर पे कुछ वर्क नहीं किया गया है। और अगर हेडलाइट्स वगैरह की बात करें, इंडिकेटर वगैरह सब काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है। हॉर्न, ओके हॉर्न भी है। हेडलाइट देखते हैं। ओके, हेडलाइट्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है।
अपन अभी ड्रिफ्ट मारे, अभी और एक बार मारते हैं। फोटो मोड पे भी आप चला सकते हैं, फोटो मोड में सिर्फ बटन्स चले जाते हैं लेकिन वर्क तो करते हैं, जहाँ पर बटन्स होते हैं वहाँ पर आप करेंगे तो वर्क करेंगे भी। ठीक है, अभी अपन कार को चेंज करते हैं, वीडियो 15 मिनट्स के ऊपर चलेगी आई थिंक सो। तो चलिए, अभी जो नेक्स्ट कार है वो है अपनी बेंटले, जिसको मैंने अभी बाय नहीं किया है। 700,000 डॉलर्स की है, जो कि अपन झटके में बाई कर सकते हैं। अपग्रेड कर लेते हैं, अपग्रेड अपनी मैक्स हो चुकी है, कस्टमाइज करके अपना टायर स्मोक जो है उसको रेड कर देते हैं। तो बेंटले का भी मेरे को इंटीरियर बहुत अच्छा दिखता है, देखिए मैं आपको इंटीरियर दिखाने वाला हूँ अभी बेंटले का। बेंटले क्या बोलते हैं इसको, अपन बेंटले बोलते हैं और बेंटले भी चल जाता। चलो बेंटले का अपन इंटीरियर दिखाने वाले हैं। तो ये है बेंटले का इंटीरियर, जो कि फुल्ली वर्किंग है और आप लोग देख सकते हैं क्या ही ज़बरदस्त है। ओके, बहुत अच्छी दिख रही है। ओ भाई भाई भाई, लाइट देख रहे हैं पीछे की, फोटो मत पे भाई, ये बहुत ज़बरदस्त है दिखने में। चलिए इसका भी चेकिंग। ओ भाई, 4 एग्जॉस्ट है पीछे, फ्लेमिंग बहुत जबरदस्त आ रही है। चलिए 1 2 3 गो। तो बहुत जल्दी अपनी स्पीड पकड़ रही है, जो कि 200 क्रॉस हो चुकी है, 400 भी क्रॉस होने वाली है थोड़ी देर में। चेक कर दे 400 हो गया है नहीं, और ये आवाज़ ज़्यादा हो गई। ठीक है, अपनी 400 भी क्रॉस हो चुकी है, 413 लास्ट स्पीड है। अपन अब बूस्टर यूज करने वाले, बूस्टर में डायरेक्ट चले गए 439। अभी हमने टायर स्मोक जो चेंज करा था, जिसकी वजह से अरे बॉय साहब टक्कर होते होते बच गई है, इसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं टायर स्मूथ क्या ही जबरदस्त आ रहा है। तो चलिए, ये भी अपन गाड़ी को अभी चेंज करने वाले हैं। ये कार बहुत ही जबरदस्त है, आपको अब देख के मालूम हो जाएगा। देखिए दिखने में तो है भाई, दिखने में इसका बहुत जबरदस्त है, और अंदर इंटीरियर बात करें तो वर्किंग इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, जो कि गियर शिफ्टर है ना, डायरेक्ट वो फिराने का रहता है ना वो है। तो देखिए अभी अपन जरा रेफ करके दिखा देता हूँ। ओके, एग्जॉस्ट जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा अपने हेड्स का। अब मैं ये कई को दिखा रहा हूँ कार, जो उसका जो पीछे स्पॉइलर है उस पर गौर करिए, पीछे के स्पॉइलर पे देखो, ये गया ऊपर और ब्रेक मारो ये चलेगा अंदर। इसके अंदर स्पॉइलर ऑटोमेटिक उठता है वाली कार में, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब रियल में भी उठता है शायद, इसलिए इसके अंदर ये डाला है, रियल में उठते हैं। चलिए अपन अभी भगा के आपको मैं साइड व्यू दिखाने वाला हूँ इसका। देखिए स्पॉइलर जो उठता है ना भाई 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 भाई, भाई। ये सबसे स्पीड कार है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अलग अलग वीडियो, एक और एक वीडियो भी आने वाली है इसके ऊपर, बेफिक्र रहें। ये वाली गेम की सबसे स्पीड कार है वो, और अपने को लैम्बोर्गिनी ये भी देखने को, लैम्बोर्गिनी होती बुगाटी ये देखने को मिलेगी, उसका मेरे को नाम याद नहीं है, और बुलाइड या बुलिड बोल के कुछ है बुगाटी, और कॉनिसेक जेस्को देखने को मिलेगी, पगानी देखने को मिलेगी इसके अंदर, पगानी भी अच्छी है बहुत ज़बरदस्त। और देखिए अपने को मिलेगी F1 और मिलेगी बुगाटी बुलेट, जो कि मेरी फेवरेट है, मेरे को अच्छी दिखती है, और मैकलारेन भी है। लास्ट पे अपने को मिलेगी बुगाटी, इसका नाम मेरे भी याद नहीं आ रहा। ओके, तो अभी अपन जाते हैं जो अपन अफोर्ड कर सकते हैं सबसे लास्ट वाली, जो कि है गोल्ड फरारी एले फरारी 6 शायद मेरे हिसाब से, ला फरारी, जिसके ऊपर हमने लिखा है पाशा, और ये है गोल्ड प्लेटिंग वाली फरारी। तो चलिए अपन अभी फरारी के साथ गेम में उतरने वाले हैं। अब देखिए अब बहुत ज़बरदस्त दिखेंगे इसके ऊपर कलर।
चलिए अपन थोड़ा सा चला के आपको दिखा देता हूँ। खाली झटके में 100 क्रॉस करने वाली गाड़ी है ये, उसको लाइट नहीं ले सकते। ओके 300 छू गई थी अभी खाली झटके में। तो चलिए अपन अपने ब्रिज के आ चुके हैं, ब्रिज में यहाँ से ओवरटेक ले लेते हैं, ओवरटेक करते हैं, यू टर्न ले लेते हैं आगे से जाएंगे। स्पीड पकड़ने में आसान होगी, वैसे पकड़ लेती है स्पीड आराम से, कोई दिक्कत नहीं है स्पीड में इसके। चलिए इसको रिपेयर कर लेके अपन ट्रैक पे ला लेते हैं। 1, 2 एंड लास्ट 3 गो। अरे बीच में अपने आ चुका था अभी, लेकिन अपन स्पीड में रुकने वाले। 300 क्रॉस चले गई है, 400 क्रॉस चले गई है, 500 भी क्रॉस हो गई है, 600 क्रॉस नहीं हुई है। मेरा बहुत ज़्यादा अपग्रेड करा था इन स्पीड पर। तो 552 इसकी मैक्स स्पीड है, जिसपे आपको ग्लीचेस देखने को मिलते हैं थोड़े से, जो लिमिट है लिमिट से अपन बाहर चले गए इसके अंदर। अभी जो इसके बाद और एक जो कार बोला मैं सबसे फास्ट, वो अभी ज़्यादा स्पीड की है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका। तो ये बहुत ज़बरदस्त गेम है, आप लोग को मैं बोल डाला कितने की बार। वैसे ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार, ठीक है ऑटो शूट कर लेते। तो देखिए आपको फोर्ज़ा हॉरिज़न होनी थी, मैं फोर्ज़ा हॉरिज़न नहीं खेलता, मैं नहीं खेल सकता हूँ आप नज़ीर भाई तो फोर्ज़ा हॉरिज़न अपन नहीं खेल सकते। तो ये वाली गेम ला ली है अपन, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मॉडर्न वर्जन होना उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डायरेक्ट प्ले स्टोर का भी वर्जन की लिंक डाल दूंगा मैं। मॉडर्न जो कि मॉडर्न वर्जन में आपको एक फ़ायदा है कि आप पूरे कार्ड्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और एक नुकसान है कि आप ऑनलाइन नहीं खेल सकते रेसिंग वगैरह, नॉर्मल ये फ्री ट्रैक पर चलाना पड़ेगा। करियर बोले तो मिशंस करना पड़ेगा, जो कि सिग्नल फॉलो वगैरह वो मेरे से नहीं होता है, तो मैंने सिर्फ फ्री राइड में इसके अंदर खेला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वेनमिया सही नहीं करें फिर भी चलो चल जाता अपन वीडियो बना लिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।